आज हम लोग रिव्यूज करने जा रहे हैं वाटला का फोर स्टेप एल्युमिनियम लैडर। ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे कि इधर 1, 2, 3, 4 इसलिए है कि इधर एक प्लेटफॉर्म है ये, जिसके ऊपर चढ़ के आप काम कर सकते हैं। ऐसे 3 स्टेप ही आपको आएगा और ऐसे फुल एल्युमिनियम का पूरा अच्छा बिल्ड क्वालिटी लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। साइड से आप देखेंगे तो इधर थोड़ा सा जो हिंजेस है वो प्लास्टिक का है और नट्स है, ये अभी तक खुला नहीं है, प्लास्टिक रैप से किया हुआ है, लॉकडाउन में अमेजन ने डिलीवर किया है। अच्छा ही लग रहा है अभी तो। अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ। लगभग आपका चढ़ के आपका जितना भी हाइट होगा उससे 2.9 फीट और भी ऐड होगा। जैसे सोच लीजिए आपका हाइट अगर 5 फीट है, अगर मैं 2.9 फीट इसमें ऐड करता हूँ तो फिर 7.9 आपका हाइट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म में चढ़ के, मतलब 2.9 फीट का आपको लिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। देख ही पा रहे हैं बहुत अच्छा पैकिंग है, कुछ टैम्पर नहीं हुआ है अभी तक। कुछ कुछ मिनिमम स्केचेस है, शायद ये मेटल है, हो ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट में आता है, कैसे भी आता है, जो लोग लाते हैं अच्छे से नहीं लाते होंगे, या फिर भी हम लोगों को अंदर से मतलब है, अंदर का चीज़ कैसा है, हम लोगों का जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। अच्छा, कुछ कुछ आने से भी पेपर्स है इधर। हम लोग हटा देंगे, ग्लू से चिपका हुआ है। लीजिए, हटा दिया। इधर बाथला का ब्रांडिंग है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। ये बाथला का लोगो है, सील प्लेट या फिर एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर देख सकते हैं आप लोग। देखिए इधर 5 इयर्स वारंटी का एक बुकलेट दिया हुआ है, इधर शायद कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह होगा। ISO सर्टिफाइड है, इसको हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं। काटने के टाइम एक मेटल का एल्युमिनियम का आवाज़ आया, आप सुन ही सकते हैं। इधर देखिए, नीचे मैं फोकस करने बोलूँगा। देखिए इधर देखिए, ये एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, एक एक पीवीसी टाइप का एक फुट रेस्ट है ताकि ये स्लिप ना हो, एंटी स्किड है। इस फुट स्टेप में भी आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने रिट्रैक्ट किया, फुट स्टेप में भी आप देख सकते हैं कि इधर एंटी स्किड है, मतलब आप पैड डालेंगे शायद ना फिसले, ऐसा ही और टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। देखिए अच्छा क्वालिटी लग रहा है अभी तक। इधर देखिए थोड़ा सा माइनर स्क्रैचेस है, शायद है नॉर्मली होगा, आपका जो नेसेसरी है उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। इधर देखिए एक स्टिकर दिया हुआ है, लिखा हुआ है अपसाइड देके लिफ्ट प्लेटफॉर्म टू क्लोज, ऐसे ऐसे करके मैं अगर लिफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए क्लोज हो गया। इसको मैं अगर फिर से कर रहा हूँ तो ये पूरा पूरी खुल गया और लॉक भी हो गया, एक क्लिकिंग साउंड आप सुन पा रहे होंगे। देखिए लॉक हो गया, अभी तक तो कुछ आवाज़ नहीं है, एक जो जो मेटल क्रैंकिंग का जो आवाज़ होता है वो थोड़ा सा है आवाज़, पर देखते हैं। और अरे कंपनी बोल रहा है कि
ये 95 किलोस का ये वजन ले सकता है। मैं खुद 95 किलोस का हूँ। अभी देखते हैं कि ले पाता है या नहीं पाता है। मैं फिर से एक बार सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर ले रहा हूँ। इसका बिल्ड क्वालिटी एवरेज स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी इधर देख पा रहे होंगे, इधर कुछ कुछ वार्निंग साइंस दिया हुआ है। देखिए वार्निंग साइंस दिया हुआ है, अवॉइड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, नेवर यूज अ लैडर टू रीच इंक्रीजेबल हाइट्स, नेवर यूज अ लैडर इन क्लोज पोजिशन, नेवर हैव मोर देन 1 पर्सन ऑन द लैडर एट अ टाइम, नेवर प्लेस द लैडर ऑन सॉफ्ट और स्लॉपी सर्फेसेस। और क्लास 3 का डोमेस्टिक टैग दिया हुआ है, इधर साफ साफ लिखा हुआ है मैक्स 95 kgs और मेड इन इंडिया। देख के भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं चढ़ने जा रहा हूँ। देखिए मेरा ये हाइट है 5.9 और हम लोग का जो सीलिंग है वो करीबन 9 फीट का है। ठीक है, तो अभी हम लोग चढ़ के देखेंगे कि मेरा हाथ कितना दूर तक पहुँचता है। मेरा पर्पस था कि ऊपर जो ये वाला चीज़ है इसको, इससे सामान उठाना, ये डालना और निकालना। ठीक है, अभी देखता हूँ कि मेरा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन में मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखिए। अभी देखिए मैं चढ़ गया, मेरा वेट अबव 95 किलोज है। अभी देखता हूँ ले पाता है या नहीं। देखिए अभी मेरा, मैं अभी तक जो ये फाइनल जो प्लेटफॉर्म है उसमें चढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, जो उसके पहले वाला जो स्टेप है उसे भी मैं ये तकरीबन पहुँच गया हूँ ऊपर तक। देखिए मैं खोल रहा हूँ, अभी मेरा हाथ आराम से इधर तक जा रहा है। मैं अगर ऊपर भी चढ़ता हूँ, तो ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी मैं लग रहा है मैं कंफर्टेबल हूँ। जो लैडर है वो मेरे वजन से कंफर्टेबल है, पता नहीं। अभी मैं आराम से इधर तक जा पा रहा हूँ। इधर लगता है काम कर पाऊंगा, क्योंकि इधर से मेरा जो सर है वो एकदम लग गया है। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ते नीचे उतर रहा हूँ। ये आपका ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल आप ऐसे करके पकड़ के उतर सकते हैं। इधर थोड़ा सा ग्रुप भी है आपको पकड़ने के लिए, ग्रिप स्ट्रॉन्ग होने के लिए। अच्छा, चलिए फर्स्ट इम्प्रेशन में मैं रिकमेंडेड करूँगा इसको। मैं अमेजोन से लिया हूँ करीबन 2900 में, कोई डिस्काउंट नहीं था, इमरजेंसी पर्पस में मैं लिया हूँ। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये अगर थोड़ा सा मेटल का होता हिंजेस तो शायद और भी बढ़िया होता। एक साउंड आ रहा है बट ये मेटल है तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और भी अगर आप लोगों को कुछ ज़रूरत पड़े कि डेली नीड्स के लिए कुछ अनबॉक्सिंग करना हो तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने वो सब लाने के लिए और अपना जेन्युइन रिव्यू देने के लिए। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।